Assalamu alaikum, dear students. Today's topic is going to be on risk and cost of capital, and we will use both these concepts to evaluate our projects. सबसे पहले हम इन सारे subjects में जाने से पहले हम लोग assignments और homework को discuss करेंगे और सिर्फ कुछ rules and regulations follow करने होंगे. जब आप join करेंगे तो आपने जो है अपना mic ऑन रखना है. तो उस वक्त जब आप कंप्यूटर लॉग इन करते हुए प्रेस करते हैं बटन के अलाउ कंप्यूटर साउंड, तो आपका माइक ऑन हो जाता है. तो आपके पास राइट्स होते हैं कि आप उसको माइक को जो है ऑन ऑफ कर सकते हैं. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अपनी वीडियोस ऑन मत कीजिएगा. ये सारी फैसिलिटीज़ हमने दी हुई हैं और मैं बार बार मैसेज इसीलिए कर रहा हूँ चैट बॉक्स में कि बहुत सारे बच्चों की मुझे ऑडियो नज़र नहीं आ रही. इसमें अतीका है, फरहाद अली है, अब इनफिनिक्स हॉट नाइन प्ले के नाम से कोई बच्चा है, इसका नाम नहीं पता, तो ये अटेंडेंस का इशू हो जाएगा. जी फरहाद अली, आपके माइक ऑन कर दिया आपने. माइक बस म्यूट रखिए. और आप लोगों की जो अटेंडेंस है वो मैं काउंट करते जा रहा हूँ. सिर्फ अब एक जो है वो रह गया है बच्चा, जो कि इन्फिनिक्स हॉट नाइन प्ले के नाम से है. बाकी सब ने अपने माइक एडजस्ट कर लिए हैं, इसका मतलब बाकी बच्चों को आवाज़ आ रही है मेरी. जी चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा आवाज़ क्लियर है, ताकि मुझे पता भी तो चले कौन कौन एक्टिव है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपना कैलकुलेटर वगैरह चीज़ें सामने लेके रखिए, क्योंकि क्वेश्चंस वगैरह जो सॉल्व करने होंगे उसमें हमें फ़ायदा होगा. फिर जी फरहाद अली, आपने कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर लीजिए. आपने हैंड रेस किया है और माजिद आपका माइक ऑन हो गया है. माइक आपने ऑफ रखना है, लेकिन आप क्लास में रहिए. जिस वक्त कोई क्वेश्चन पूछना हो तो उस वक्त आप माइक ऑन करके जो है बात कर सकते हैं. अटेंडेंस जो है मैं भी काउंट कर लेता हूँ सबकी, जिनकी रह गई है, जो नए बच्चों ने ज्वाइन किया है. मैं भी
जी स्टूडेंट्स, जब आप लोग ज्वाइन करें तो आप लोगों ने जो है वो एक मेक श्योर करना है कि जब वहाँ पे ऑप्शन आता है ज्वाइन कंप्यूटर ऑडियो तो उस पर क्लिक ज़रूर कर लिया करें। अदरवाइज शायद हो सकता है आप लोगों को जो है वो मेरी आवाज़ सुनाई ना दे। जी अभी तक जो बच्चों की अटेंडेंस लगी है वो मैं आपको काउंट करवा दूं। अतीका, फरहाद अली, खुर्रम सईद, माजिद, रिमशा राना, साकिब, शेर अली, वीना, इकरा, साकिब हुसैन और शिराज, इनमें से कोई बच्चा कोई रह तो नहीं गया कोई और? क्योंकि जो इन्फिनिक्स हॉट नाइन है उसका तो बच्चे का नाम भी नहीं पता। सभी का वीना जी वीना का लगा दिए। सभी का और सारा दो अब ऐड हुई हैं। जी जलाल बलोच और वीशा उस्मान भी ऐड हो रही हैं। जी शेर अली, सबसे पहले आप बता दीजिए माइक ऑन करके कि कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस। नहीं सर, क्लियर है सब। जी असाइनमेंट होमवर्क दोनों सर। ओके। जी और कोई स्टूडेंट जिसने असाइनमेंट होमवर्क किया हो और उसने क्वेश्चन में कोई ऐसी चीज़ उसको लगी हो कि जो पूछनी हो, ये हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के बाद हमारे पास आए हुए थे, 9 और फिर 10। जी किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछिए। जी कोई बच्चा क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? और शुड आई जस्ट गिव सम हिंट्स, क्या करूं? जी शेर अली आप बताइए।
ये क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों को जो है वो दिया था, अगर याद हो आपको, टेस्ट के अंदर से फिगर्स चेंज की गई थी। अब्दुल वाहद साहब कह रहे हैं कि हिंट दे दें, किस चीज़ का हिंट दे दें, वो क्वेश्चन मुझे बता दीजिए ताकि फिर वो वन बाय वन जो है वो, या सभी क्वेश्चंस में कुछ हिंट्स दे दूं, असाइनमेंट से रिलेटेड या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से रिलेटेड, ये बता दीजिए अब्दुल वाहद। जी जलाल बलोच, आपका म्यूट नहीं हुआ हुआ माइक। जी पूरी कोशिश हमारी यही होगी कि कुछ हिंट्स आपको थोड़े बहुत दे दिए जाएं। अच्छा, चैट बॉक्स में भी आप मुझे बता सकते हैं, जब मैं हिंट्स देने स्टार्ट करूंगा तो फिर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अच्छा, ये कह रहे हैं अब्दुल वहाब साहब के जो लास्ट क्लास में रह गए थे कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस, अच्छा आप उसकी बात कर रहे हैं। जी सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक जनरल आइडिया दे दूँ सबसे पहले, कि पूछा ये गया था, ये था तो कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस। इसके अंदर आपसे सबसे पहले बोला गया है कि आपने इन्वेस्टमेंट की है। अच्छा, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम प्रोजेक्ट्स के नाम लिख देते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम लिख दें प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी, ये दो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, इनकी इन्होंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है ना वो दी हुई है, जो कि हम ब्रैकेट में लिख देते हैं 1 मिलियन और 2 मिलियन। ये जो टाइम पीरियड होगा, अगर हम टाइमलाइन बनाना चाहें तो हमारे पास टाइम पीरियड जो है ये 2 साल मेरे ख्याल से दिए इसमें, 0 2 years है, सही है। तो हम इसको लिख देंगे 0 year, 1 year और 2 years, क्योंकि जो प्रोजेक्ट है बेसिकली ये 2 years का प्रोजेक्ट है। अच्छा, अब हमारे पास ये जो प्रोजेक्ट ए हमारे पास आया है, इसमें 1 मिलियन सबसे पहले आउटफ्लो हो गया ये, अब सिर्फ इसमें ये देखना था कि किसी में पैसे शुरू में मिल रहे हैं और किसी में बाद में मिल रहे हैं। तो बोथ प्रोजेक्ट्स हैव ए यूनिक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 20%। 20% का आईआरआर दे दिया इन्होंने, तो आईआरआर लिख लेते हैं हम। आईआरआर कितना दे दिया, 20%, और दोनों प्रोजेक्ट का सेम आईआरआर है। ये कुछ बच्चे दोबारा से ऐड हो रहे हैं, लेट मी ऐड देम। जी अच्छा, तो इसमें इन्होंने आईआरआर दिया हुआ है 20%। उसके बाद ये कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। फॉर एनी डिस्काउंट रेट फ्रॉम 0%, यानी कि ये जो डिस्काउंट रेट दे रहे हैं जिससे हम नेट प्रेजेंट वैल्यू मालूम करेंगे डिस्काउंटिंग करके, तो इसमें जो रेट दिया है वो कह रहे हैं 0% से
आप 20% तक कोई भी रेट इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर डिस्काउंटिंग दोज प्रोजेक्ट्स। जब भी कभी इस तरह की चीज़ हो तो सबसे पहले हम 0% पे चेक कर लेते हैं। उसका रीज़न क्या होता है कि वो डिस्काउंटिंग नहीं करनी पड़ती। ज़ीरो मतलब है कि आप डिस्काउंटिंग नहीं कर रहे, जैसे हम पेबैक में नॉर्मल करते हैं तो सिंपल पेबैक मेथड हो जाता है यहाँ पे। अच्छा, अब इनका कहना यहाँ पे ये है कि अगर हमारे पास जो है ये 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है तो अब ये स्टेटमेंट क्या होगी, तो कोई भी कैश फ्लोज जो है ना आप यहाँ पे ले सकते हैं, जो कि अभी मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बताऊँ कि द इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट ए इज़ 1 मिलियन एंड इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट टू इज़ 2 मिलियन। ये दोनों हमने पोस्ट कर दिए, बोथ प्रोजेक्ट्स इनके इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न सेम है। फॉर एनी डिस्काउंट रेट 0 to 20%, प्रोजेक्ट बी हैज़ an NPV twice as great as that of project A. अब जो net present value है ना वो कह रहे हैं कि वो twice है। अब twice का मतलब ये होता है, और किसकी twice है, project B की। अच्छा, net present value है project, बल्कि इसको हम इस तरीके से कहेंगे, project B has an net present value, उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू तो है लेकिन वो ट्वाइस है। ट्वाइस का मतलब क्या होता है, दुगनी होगी। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि जब हम कैश फ्लोज लेते हैं तो कितने कितने कैश फ्लोज लेंगे। अच्छा, ये 2 ईयर्स फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि भाई हमारे पास पैसे पहले आ रहे हैं या बाद में आ रहे हैं। मुझे दो बच्चों को ऐड करने दीजिए ज़रा सा, एक सेकेंड। ये सभी का जो है बार बार जो है वो लॉग आउट हो जाती हैं। अच्छा, तो अब अगर हम यहाँ पे सपोज कर लें कि प्रोजेक्ट, अब यहाँ पे हमारे पास 1 ईयर ले लें, 2 ईयर्स ले लें, कोई भी टाइम पीरियड ले लें, तो जब हम 0% लेते हैं तो हमारे पास डिस्काउंटिंग की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो आपने याद रखनी है कि अगर कभी किसी की NPV इन्होंने दी हुई हो, नेट प्रेजेंट वैल्यू जो कि ट्वाइस है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, जहन में रखिएगा, इससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। प्रोजेक्ट बी हैज़ एन NPV ट्वाइस। अगर प्रोजेक्ट बी की NPV, अगर हम यहाँ पे NPV लिख लें, अगर प्रोजेक्ट बी की नेट प्रेजेंट वैल्यू ट्वाइस हो, मिसाल के तौर पर मैं ऐसी यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि हमारे पास NPV इसकी निकलती है 100,000, तो इसकी, क्योंकि प्रोजेक्ट बी की NPV क्या होगी, ट्वाइस होगी, किसी भी डिस्काउंट रेट पे बात कर रहे हैं, सही है, एज दैट ऑफ प्रोजेक्ट बी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 200,000। अब आप कहेंगे कि सर ये आपने अमाउंट कहाँ से लेकर आए, तो ये रखिएगा कि सिर्फ ये हाइपोथेटिकल फिगर्स ली गई हैं इस जुमले की वजह से। अच्छा, क्योंकि ये अब हमारे पास जो है वो ये पॉइंट आ गया कि कितनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज यहाँ पे की हुई है, तो अब आपने डिसीजन लेना है कि ये स्टेटमेंट सही है, गलत है, क्या होगा। पहली बात तो ये है कि ये जहन में रखिएगा कि आउटफ्लो हमारे पास जो है वो कितना निकला हुआ है। अच्छा, हम यहाँ पे कुछ हाइपोथेटिकल फिगर्स ये भी डाल सकते हैं कि प्रोजेक्ट ए में फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें अगर 1 मिलियन है तो 1 मिलियन को, 1 मिलियन को हम लिख दें यहाँ पे कि कैश फ्लोज हमारे पास आ रहे हैं 500,000, फिर हमारे पास आ गया 600,000। ये दो कैश फ्लोज अगर हमारे पास आएंगे और हम डिस्काउंटिंग नहीं करते तो हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 100,000 बच जाएगी। अच्छा, 2 मिलियन है तो इसको हम कर देते हैं 1 मिलियन और यहां लिख देते हैं 1 मिलियन
200,000. तो इस तरीके से जो है हमारे पास जो है वो फिगर्स हम हाइपोथेटिकल जनरेट कर सकते हैं. कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में ऐसे ही होता है कि बहुत सारी फिगर्स हमें हाइपोथेटिकल लेनी पड़ती हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग. अच्छा, जब यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि जो नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट बी की वो ट्वाइस होगी नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट ए से, तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि आप जब डिसीजन ले रहे होंगे तो किस बेसिस पे, जो हमने क्लास में किया था कि नेट प्रेजेंट वैल्यू पर जब हम डिसीजन लेते हैं, क्योंकि आई